हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि बारिश बहुत चल रही है, यू कैन सी प्रॉब्ली इन दिस रिफ्लेक्शन, यू कैन सी माय रिफ्लेक्शन आल्सो, रिफ्लेक्शन इन रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन इन रिफ्लेक्शन, दैट्स द आइडिया। आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे, और अगर नहीं कुशल मंगल है तो जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप कुशल और मंगल हो जाए। बारिश 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 ने आतंक मचा रखा है सुबह से, इनफैक्ट रात से बहुत बारिश हो रही है। और अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो आपको शायद समझ में आएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। Don't ask me. I'm still not feeling. I mean, like, it still hurts, no? So, but what can be done? I don't know what to say. Right now, I can't say anything, you know? It's just happened. और आज सुबह जो हुई है ना मेरी, आज पहली बार नहीं, काफ़ी टाइम बाद मैं 7:30 बजे सो के उठा हूँ। जो बंदा 4:30 बजे सुबह उठ जाता था, रोज पैरों में इतना दर्द हो रहा था, इतनी जलन हो रही थी कि आई कुडंट स्लीप। आई विल शो यू व्हाट हैपेंड, यू कैन सी दीज मार्क्स, सेम इज इन द अदर फीट, यू सी सी दिस। सो दर्द, बहुत दर्द। आई एम सॉरी डॉग्स। और एक अजीब सा ना ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कांटे शायद अंदर रह गए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग बेयर फीट उस जंगल जैसे एरिया में गए थे। कि जब आपने ब्लॉग देखा होगा अगर कल का, तो ऑब्वियसली आपको समझ आएगा। और पूरी रात मेरे को मतलब अजीब अजीब से सपने और ये सब आते रहे। अब चाहे मैं अग्री करूं या एक्सेप्ट करूं या नहीं करूं, पर ऑब्वियसली इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, नो। आई एम स्टिल टेकिंग टाइम टू गेट ओवर इट एंड प्रॉब्ली आई विल गेट ओवर इट। सपने टूट गए, जो सपने होते हैं टूट गए, टूटे नहीं, आई वुड से डिले हो गए। डिले भी नहीं हुए, सी ऐसे अपने आप को समझाया जाता है, यू नो, व्हेन यू हेल्प योरसेल्फ। सो एनीवेज, बाकी तो सब बढ़िया है। और आज का दिन काफ़ी लेट शुरू हुआ, लेट शुरू होकर अभी जा रहा है, देखते कहाँ तक जाता है, कैसे जाता है। और आज आई एम नॉट एबल टू गो एनीवेयर बिकॉज क्या है, पैरों में दर्द हो रहा है, तो इवन इफ आई एम वेयरिंग माई शूज़ इट्स हर्टिंग। सो इसीलिए ना आज वर्कआउट कुछ किया है और ना ही कहीं जाने का प्लान है, एटलीस्ट कल तक। और मौसम सुहाना है, बारिश खूब हुई है धनाधन, और बाकी सब बढ़िया है। आशा करता हूँ आप लोग भी कुशल मंगल ही होंगे, नहीं है? अभी सडनली मेरे को आइडिया आया आज के व्लॉग के लिए। आज हमारा गाने का मूड कर रहा है, तो आज प्रॉब्ली वी शुड डू अ कैराओके। एक गाना मेरी ज़बान पे बहुत टाइम से टिका हुआ है, और आई डोंट नो कैसे आया, क्योंकि मैं इसे ऐसा सुन भी नहीं रहा था। तो लेट्स ट्राई विद यूट्यूब कैराओके एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। मिलते हैं अपने अड्डे पे। 1, 2 and 3 Here we are once again. So मेरे सेटअप पे, नए सेटअप पे जो मैंने अभी क्रिएट किया हुआ है, और तो बात शुरू करते हैं वहाँ से। सो मैंने बोला था कैराओके आज ट्राई करते हैं, जो मैंने किया है, लेकिन एज सच नहीं किया है। और ये जो गाना है, ये कहने को तो इट्स अ भक्ति सॉन्ग एंड ऑल, बट फॉर मी इट्स अ नाइस सॉन्ग, सो दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग दिस सॉन्ग। और डेफिनेटली हिंदी सॉन्ग है, और सो लेट्स सी हाउ इट गोज एंड लेट इट
स्टार्ट रिकॉर्डिंग. ओके, स्क्रीन रिकॉर्डर इज ऑन. सो आई पुट. ओके गुड. ऑल राइट सो गाइस रेडी. 3, 2, and 1. सरस्वती, सरस्वती सुर की देवी हैं तो प्रार्थना तो बनती है ना. चलो वी आर ऑल सेट एंड लेट्स स्टार्ट. अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं. अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्. कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं. अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्. बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं. मैं अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्. कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुनाते नहीं. माँ यशोदा के जैसे सुनाते नहीं. अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्.
कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह न जाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, जान नारायण जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायण जानकी वल्लभम। राम नारायण जानकी वल्लभम। राम नारायण जानकी वल्लभम। जय श्री राम। सो of course, let me stop this first. So of course, I'm not a professional singer, nor I have taken any training. बस आज मेरे को ये लगा, आज सुबह से मेरी ज़बान पे ये गाना बड़ा चढ़ा हुआ था, तो मेरे को लगा कि ये गाना चाहिए, ट्राई करना चाहिए एटलीस्ट। और कैसा लगा आप बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब का जो बटन दिख रहा है छोटा सा कोने में, उसे दबा दीजिएगा, और साथ में जो बेल आइकन का बटन है ना उसे भी दबा दीजिएगा। उससे क्या होगा ये आपको पता है, जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं कि जब भी मेरी कोई वीडियो अपलोड होगी नई उनको नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो इसका ये फ़ायदा है। और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जो करना है करें, पर करते रहें, समझे, क्योंकि करना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ आज के ब्लॉग से, मिलेंगे हम कल फिर, किस टाइम इसका बारे में हम कुछ नहीं बता सकता हूँ आपसे, समझ रहे हैं आप। ऑलराइट गाइस, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, अपने माँ बाप का, कुशल मंगल में रहिए और एंजॉय कीजिए लाइफ, और ऑप्शन ही क्या है। बाय बाय।